आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठाकुर द्वारा में स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुमार की अध्यक्षता में पर्यावरण दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम छात्र छात्राओं ने पर्यावरण बचाओ वो पेड़ लगाओ का आम जन तक संदेश देने के लिए ठाकुर द्वारा बाजार और गाँव में एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में विद्यालय के अध्यापकों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वो छात्र छात्राओं ने पर्यावरण बचाओ के नारे लगाए व पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों में विभिन्न मुकाबले करवाए गए। भाषण प्रतियोगिता में त्रिशला ने पहला, दिनेश ने दूसरा व बलविंदर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चित्रकला में शाहीन ने पहला, काजल ने दूसरा और बहिदाव और हरसंगीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में परमिंदर कौर ने पहला और रजनी ने दूसरा स्थान हासिल किया। मौके पर प्रिंसिपल अनिल शर्मा ने कहा कि हर परिवार के लोगों को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। पर्यावरण को स्वच्छ शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठाकुर द्वारा में विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुबह बच्चों ने रैली निकाली, जिसमें पर्यावरण संबंधी संदेश दिए गए थे और ग्रामीणों को इसमें जागृत किया गया कि वो अपना पर्यावरण जो है स्वच्छ रखें, प्रदूषण ना फैलाएं। उसके बाद दूसरे सेशन में स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें बहुत ही बढ़िया बच्चों ने टॉपिक लिखे थे और उसमें संदेश दिया गया कि किस प्रकार हमने अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ बच्चे अपना योगदान क्या दे सकते हैं। तीसरा कंपटीशन रहा हमारा पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें यही संदेश दिया गया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। और अंत में जो हमारा चौथा कंपटीशन था वो स्लोगन था। स्लोगन प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखे थे और उसमें जो संदेश दिया गया था वो स्वच्छता के ऊपर था। अंत में बच्चों ने पर्यावरण और वन की कटाई के संबंधी एक छोटी सी स्किट पेश की, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि किस प्रकार वन काटे जा रहे हैं और वनों के कटने से बारिश नहीं हो रही है। और इसका उदाहरण आज हिमाचल में शिमला में पानी की कमी रही, उससे भी ज़्यादा हमारे गांव ठाकुर द्वारा में जल के जो स्रोत हैं वो सूख गए हैं। लगभग 70% घरों में जो हैंडपंप थे उनमें पानी नीचे चला गया है और पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। बच्चों को ये संदेश दिया गया कि वो घर जाके अपने आस पड़ोस में अपने माता पिता को जागृत करें, तभी जाकर के ये पर्यावरण दिवस जो है मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। धन्यवाद। जय। कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।